पूर्वी दिल्ली में चुनावी रफ्तार हुई तेज, पार्टियां ने झोंकी पूरी ताकत। बीजेपी आप कांग्रेस के उम्मीदवार घूम रहे हैं गली गली, मांग रहे हैं अपने लिए वोट। नगर निगम चुनाव का तेज हुआ प्रचार, कांग्रेस उम्मीदवार अंजना शर्मा ने किया डोर टू डोर प्रचार। अंजना शर्मा को मिल रहा है जनता का समर्थन। पूर्वी दिल्ली के एटीएस के हाथ लगी बड़ी सफलता, ई रिक्शा चोरी में शामिल दो ऑटो लिफ्टर पकड़े गए, सीसीटीवी फुटेज की मदद से पकड़े गए चोर। विवेक विहार में उदाहरण देने पर युवक की बेरहमी से की गई पिटाई, 24 साल के शमशाद पर रॉड से किया गया हमला, पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। और नर्सरी एडमिशन की हुई शुरुआत, ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में हो रहे हैं एडमिशन, अलग अलग कैटेगरी के लिए रखे गए पॉइंट्स। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीसीएन में, मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान और आप देख रहे हैं पूर्वी दिल्ली खास। अब होते हैं रूबरू पूर्वी दिल्ली की अहम खबरों के साथ। पूर्वी दिल्ली में चुनावी पारा रोज बढ़ता ही जा रहा है, बीजेपी कांग्रेस और आप ने चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। अनारकली वार्ड से कांग्रेस उम्मीदवार मधु प्रेम चौधरी ने हर रोज की तरह आज भी अपना प्रचार का राउंड किया है। आज साउथ अनारकली में उन्होंने रैली की जिसमें कई कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उन्हें इस राउंड के दौरान कई जगह कूड़ा दिखा जिस पर मधु प्रेम चौधरी ने पूर्व में रहे पार्षद पर जमकर निशाना भी साधा है। उन्होंने कहा कि यहाँ रहना को दूर की बात है, कुछ देर खड़ा होना भी यहाँ पर मुश्किल है। ऐसे में लोग यहाँ पर रहना बहुत ही मुश्किल से है, रह नहीं पा रहे हैं, गंदगी है, बीमारियाँ फैल रही हैं, कूड़ा जगह जगह फैला है, जबकि पास में ही पूर्व पार्षद का दफ्तर और घर भी है। जो यहाँ की जनता है वो पहले वाले पार्षद से इतने दुखी हैं, इतने दुखी हैं कि उनकी आंखों में आंसू तक है। वो कहना चाहते हैं कि हम इस पार्षद से पीछा छुड़वाओ और आप आओ, हम आपके समर्थन में खड़े हैं। सारी जनता का मुझे इतना सपोर्ट मिल रहा है, मैं इतनी खुश हूँ। हमारी 101% जीत होने वाली है, इस कूड़े को हटवाएंगे। अगर कोई भी नहीं आया, हम अपने पर्सनल खर्चे से इस कूड़े को हटवाएंगे। एमसीडी में कोई काम नहीं करता। पिछले निगम पार्षद ने तोहफा दिया है, ये मेरे पीछे बैठा है, ये तोहफा है उसका इस क्षेत्र की जनता के लिए। बुरा हाल है जगह जगह आपके सामने, हर गली के अंदर यही हाल है। अगर ऐसा निगम पार्षद भगवान किसी को ना दे, मैं तो ये कहता हूँ परमात्मा किसी को ऐसा निगम पार्षद ना दे, ये देख लो क्या हाल हुआ पड़ा है। और इसका दफ्तर यहाँ से 50 मीटर दूर है, इसका घर 100 मीटर दूर है। जब अपने घर के सामने, अपने दफ्तर के सामने ये हाल है, तो और सारे क्षेत्र में क्या हाल होगा। ये देखिए, ये नालों की हालत देखिए, आप देखिए नाले सारे बंद पड़े हुए हैं, लोग परेशान हैं, बरसातों के अंदर गलियों में पानी भर जाता है। मैं यहाँ देखो खड़ी नहीं हो पा रही, नाक ढक ली सबने, देखो उनकी फोटो लो ना, महिलाओं की फोटो लो, नाक उनकी स्मेल के बारे खड़े नहीं हो सकते। जो लोग 24 घंटे यहाँ रहते हैं उनका क्या हाल। वहीं बीजेपी की उम्मीदवार मीनाक्षी शर्मा जो अनारकली वार्ड से हैं, उन्होंने बड़े ही धूमधाम से युवा शक्ति के साथ मिलकर इलाके में बाइक रैली को निकाला। इस रैली के दौरान युवाओं में भरपूर जोश देखने को मिला। बीजेपी उम्मीदवार मीनाक्षी शर्मा ने ये रैली साउथ अनारकली में निकाली। युवाओं में भरपूर जोश देखकर मीनाक्षी शर्मा का भी हौसला बढ़ा हुआ दिखाई दिया। वो लगातार रैलियां कर लोगों का प्यार बटोर रही हैं और जीतने की अपनी पूरी उम्मीद लगा रही हैं। आज मेरे सारा युवा मेरे साथ जुड़ा हुआ है, बहुत उत्साहित होके पूरे वार्ड में हम दुश्मन के होश उड़ाते हुए अपने अनारकली वार्ड में पूरे में हम लूट ले रहे हैं। मुझसे 100 गुना ज्यादा जोश है मेरे युवाओं में कि उन्हें भाजपा को इस बार निगम में स्थापित करना ही करना है। कॉम्पिटिशन है ही नहीं, एक तरफा है। मेरे कार्यकर्ताओं का उत्साह और उनके साहस और उनके सहयोग का जो है ना जीत का पंचम उनका एक तरफा लहराएगा। सारे के सारे युवा अनारकली वार्ड के हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और यहाँ पर रिकॉर्ड मतों से भारतीय जनता पार्टी विजय होने जा रही है। भारत माता की जय। कृष्णनगर वार्ड से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार जुगल अरोड़ा अपने प्रचार के लिए गली गली घूमकर जनता से वोट मांग रहे हैं। बाइक रैलियां निकाली जा रही हैं, लोगों में विश्वास दिलाने के लिए उनसे मिलकर
विश्वास उनको दिलाया जा रहा है, वादे निभाए जा रहे हैं कि आपके रुके हुए काम को पूरा जल्द किया जाएगा। हर गली में लोग जुगल अरोड़ा का स्वागत कर रहे हैं, भारी भीड़ उनके साथ देखी जा रही है। जुगल अरोड़ा कहना है कि हमारी जीत इस बार निश्चित है। पूर्व दिल्ली के विश्वास नगर वार्ड नंबर 207 से बीजेपी ने डॉक्टर चेरी सिंह 28 और 29 ब्लॉक में उन्होंने आज लोगों से मुलाकात की और बताया कि लोगों को बहुत प्यार मिल रहा है। लोगों ने कहा कि जितना काम बीजेपी करती है उतना कोई काम नहीं करता है। लोगों ने कहा कि जीतने के बाद इलाके की तमाम समस्याओं को दूर करने का वादा किया है उन्होंने और इलाके की समस्याओं को दूर किया जाएगा, जिससे जो परेशानियां हम लोगों को होती हैं वो परेशानियां नहीं होंगी। आज हम दोबारा 28 ब्लॉक में आए हैं लोगों से मिलने के लिए, जनसंपर्क हमारा 28 ब्लॉक में। सर प्रेम तो बहुत मिल रहा है, सब लोग हमें बहुत बहुत सहयोग कर रहे हैं, बहुत अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं और बहुत कॉन्ग्रेचुलेट भी कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। ये डॉक्टर चेरी को भारी समर्थन यहाँ पर जनता का मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि जिस तरफ भी जा रहा जन सैलाब चेरी जी के साथ है। और मैं मानता हूँ कि 4 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की जो हमारी प्रत्याशी है डॉक्टर चेरी चैन बहुत अच्छे मतों से जीतने वाली है। मेरा ये कहना है कि निगम चुनाव जो होता है उसमें मेरा मानना है कि वो आपकी छवि पे ज़्यादा निर्भर करता है पार्टी से भी। हालांकि हमारी पार्टी एक बहुत बड़े लेवल की वर्ल्ड की देश की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन यह डॉक्टर चेरी सेन जी जो लड़ रही हैं, ये डॉक्टर हैं, शिक्षित हैं और डॉक्टर कंवर सेन जी की पुत्रवधु हैं। तो छवि जैसा डॉक्टर कंवर सेन जी ने मेयर रहते, जोन चेयरमैन रहते काम किए हैं। जैसे जैसे एमसीडी चुनाव की तारीख नज़दीक आ रही है, वैसे वैसे सभी पार्टियाँ पुरजोर तरीके से प्रचार में जुट गई हैं। गांधीनगर वार्ड नंबर 212 से कांग्रेस उम्मीदवार अंजना शर्मा ने आज फिर एक बार धनपुरा इलाके में डोर टू डोर लोगों से जनसंपर्क किया। इस दौरान उन्होंने लोगों को विश्वास दिलाया कि अगर कांग्रेस सरकार आती है तो धर्मपुरा की सबसे बड़ी समस्या नाली का ओवरफ्लो और कूड़े का निपटारा किया जाएगा। वहीं पूर्व पार्षद सुरेंद्र शर्मा ने कहा कि जनता उन्हें भारी समर्थन दे रही है, वह ये चुनाव जीतकर जनता के लिए पहली की तरह काम करेंगे और इस चुनाव में जनता की तरफ से मिल रहा समर्थन बताता है कि वह ये चुनाव जीत रहे हैं। समर्थन बहुत अच्छा मिल रहा है, लोग कह रहे हैं कि जहाँ पहले भी जो काम था आप आए नहीं हैं, आप दोबारा से आए, हमें बड़ी खुशी होगी अगर दोबारा से आप यहाँ पर काम करने आएंगे। वो इंतज़ार कर रहे हैं कि कांग्रेस फिर वापसी यहाँ करें। लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, नालियाँ ओवरफ्लो हो रही हैं, कूड़ों के ढेर लगे हुए हैं कि पिछले काउंसलर ने यहाँ पर कोई काम किया ही नहीं है। वो इतने परेशान हो चुके हैं, वो कहते हैं कि हमें वापसी आपकी चाहिए कांग्रेस की। ऑलरेडी जो पब्लिक है वो त्रस्त है कि जो काउंसलर आया इतना सब कुछ करने के बाद भी, जो इतनी मेंटेनेंस कर दी उसके बाद भी वो काम नहीं कर पाए, तो आज की डेट में जो हमारी जनता है वो इस हमारे को दोबारा से लाने के लिए उत्सुक है और तैयार है बिल्कुल। जिस तरह से रुझान नज़र आ रहे हैं, हम जहाँ भी जा रहे हैं कई जगह पे अंजना की और हमारी आरतियाँ उतारी जा रही हैं, तो इसीलिए है कि पब्लिक का रुझान जो है वो हमारी तरफ है, हमारे काम की तरफ है। बड़ी परेशानी है हमें, क्यों सबसे ज़्यादा परेशानी है कूड़े की आजकल, और सबसे ज़्यादा नाली से अंदर पानी गंदा अंदर आता है, मच्छर पैदा हो रहे हैं और फिर कहेंगे जी अपनी टैंकियां चेक करो। अरे टैंकियों में क्या है जब तुम नालियां नहीं साफ करोगे तो। ये पंडित जी हमारे काम करने के बाद हमें फोन करते हैं, काम हो गया, हाँ जी सर थैंक यू, तू ऐसा बंदा चाहिए हमें। दिल्ली एमसीडी के चुनाव का तारीख नजदीक आ चुकी है, ऐसे में चौहान बांगर का चुनाव मैदान भी एक रोमांचक मोड़ पर आ चुका है। जहाँ एमसीडी चुनाव में पूरी दिल्ली में वोटिंग होनी है, वहीं चौहान बांगर में भी सभी की नजर टिकी हुई है। चौहान बांगर में पूर्व पार्षद जुबेर चौधरी की पत्नी शगुफ्ता बेगम चुनावी मैदान में है, तो वहीं दूसरी ओर मौजूदा विधायक की बीबी भी मैदान में उतरी हैं। बीजेपी ने यहां से अपना कैंडिडेट उतारा है, ऐसे में हमने जब पूर्व पार्षद जुबेर चौधरी से बात की तो उनका कहना था कि जनता का समर्थन उन्हें पिछली बार से भी ज़्यादा मिल रहा है। जी हाँ, एक तरफा चुनाव जीता था और इस बार उन्हें अपने रिकॉर्ड टूटते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं जुबेर चौधरी ने बताया कि उन्होंने इलाके में गर्ल्स लाइब्रेरी खोली है और इलाके में एमसीडी कर्मचारियों की अटेंडेंस भी पूरी करवाई। अब आने वाले चुनाव में अगर वह जीतते हैं तो इलाके में बॉयज लाइब्रेरी भी खोलेंगे, साथ ही चौहान बांगर को नाली मुक्त बनाया जाएगा। लड़कियों को पढ़ने के लिए दिक्कत होती थी, हमने वो लाइब्रेरी कायम किया, दिल्ली की बेस्ट लाइब्रेरी में वो लाइब्रेरी है, उसके अंदर अच्छे इंतजाम है। उस लाइब्रेरी के अंदर ये भी हमने ध्यान रखा है कि उस लाइब्रेरी के अंदर मेरी भी एंट्री नहीं है, मैं भी उस लाइब्रेरी के अंदर नहीं जा सकता क्योंकि वो गर्ल्स की जो प्राइवेसी है उसको हम मेंटेन करते हैं। उसके अंदर जो कैमरा लगाए गए हैं उसका एक्सेस भी हमने एक फीमेल इंचार्ज उसको दिया है। अभी हमने जो कमिटमेंट किया है इस बार, कमिटमेंट तो बहुत सारे करने भी टाइम है, पहला कमिटमेंट हमने किया है चौहान बांगर जाफराबाद को नाली मुक्त करने का। चौहान बांगर जाफराबाद के अंदर नाली नहीं होनी चाहिए, जो मेन गलियां हैं
उनके अंदर काली नाली होगी, वो भी मजबूरी है, उनका पानी पीछे से आता है, इसलिए वो नाली है। हम नाली मुक्त करेंगे अगले 5 साल के अंदर। दूसरा, हमने वादा किया है कि लाइब्रेरी की ज़रूरत लड़कियों को नहीं, लड़कों को भी है, उसका भी हमने कमिटमेंट किया है कि एक लाइब्रेरी लड़कों के लिए भी हम बना के देंगे। दिल्ली में हर तरफ चुनावी गूंज सुनाई दे रही है, ऐसे में शाहदरा ज़िले के DM प्रांजल पाटिल ने भी लोगों से अपील की है कि 4 दिसंबर को ज़्यादा से ज़्यादा लोग मतदान करें। विकलांग लोगों के लिए अलग से सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। खास तौर पर उन्होंने कहा कि युवा, महिला और सीनियर सिटीजन मतदान केंद्र पर जाकर ज्यादा से ज्यादा मतदान जरूर करें। डिस्ट्रिक्ट शाहदरा के रहने वाले सारे वोटर्स को ये अपील करना चाहती हूँ कि रविवार 4 दिसंबर 2022 को MCD के चुनाव में अपना वोट जरूर करिए। मतदान हमारा अधिकार है, मतदान हमारा कर्तव्य है। मतदान केंद्रों पर सारी सुविधाओं का प्रबंध किया गया है, विशेष करके दिव्यांग जनों के लिए विशेष सुविधाओं का प्रबंध किया गया है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए लाने ले जाने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। मैं खास करके सारे युवाओं को, महिलाओं को और वरिष्ठ नागरिकों को ये अपील करना चाहती हूँ, प्लीज डू गो फॉर वोट ऑन संडे 4th December 2022 MCD इलेक्शन में मतदान जरूर करें। विश्वास नगर क्षेत्र की न्यू संजय अमर कॉलोनी को विकास के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। पूर्व महापौर डॉक्टर कंवर सेन की माने तो क्षेत्र विधायक और दिल्ली विकास प्राधिकरण के सदस्य ओम प्रकाश शर्मा ने क्षेत्र की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए DDA की बैठक में अहम मुद्दा उठाया था। मीटिंग में यह फैसला लिया गया था कि संजय अमर कॉलोनी अब JJ क्लस्टर के रूप में नहीं गिनी जाएगी, बल्कि अब इसमें सभी सुविधाएं दी जाएंगी जो कि अनधिकृत कॉलोनियों में दी जाती हैं, जिसमें सीवर, पानी और सड़कें वगैरह शामिल हैं। प्रकाश शर्मा जी के प्रयत्न से, जो कि DDA के मेंबर है, जो न्यू संजय अमर कॉलोनी में एक क्लॉज थी कि भाई ये JJ क्लस्टर है, इसको अनधिकृत कॉलोनी में नहीं करा जा सकता, लेकिन भाई ओम प्रकाश शर्मा जी ने अपने प्रयत्न करके उसको ये स्टेटस दिलवा दिया कि ये न्यू संजय अमर कॉलोनी एक अनधिकृत कॉलोनी है और इसमें वही काम होंगे जो अनधिकृत कॉलोनी में होते हैं। जो JJ क्लस्टर था उसका ये जो चक्कर में इसका सुधार नहीं हो पा रहा था, इसका डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा था, वो बात अब खत्म हो गई है। न्यू संजय अमर कॉलोनी का सुधार एक अनधिकृत कॉलोनी के रूप में ही होगा। ये न्यू संजय अमर कॉलोनी वासियों के लिए बहुत अच्छी खबर है। किस तरीके से न्यू संजय अमर कॉलोनी के वासियों को एक उपहार दिया है कि अब वो अनधिकृत कॉलोनी की तरह इसका डेवलपमेंट होगा, सीवर भी होगा, पानी भी होगा। पूर्व दिल्ली की ATS टीम के हाथ अहम कामयाबी लगी है। ATS ने ई रिक्शा चोरी में शामिल 2 ऑटो लिफ्टर को पकड़ा है, जिनके पास से चोरी के 5 ई रिक्शा और 44 बैटरी बरामद की गई हैं। साथ ही 12 चोरी के मामले भी सुलझाए गए हैं। पूर्वी दिल्ली में ई रिक्शा चोरी की घटना पर अंकुश लगाने के लिए ATS को ई रिक्शा चोरी में शामिल अपराधियों की गतिविधियों पर नजर रखने का जिम्मा सौंपा गया था, जिसमें टीम का गठन किया गया। उसमें KP राणा, SI मनोज सोलंकी, ASI अरविंद, ACP ऑपरेशंस की देखरेख में अन्य कुछ मेंबर सहित एक टीम बनाई गई। टीम ने गश्त तेज कर दी और बब्बर के थ्रू लगातार घटना पर नजर बनाए रखी है और CCTV फुटेज से नजर बनाए रखे टीम का प्रयास रंग लाया है। विवेक विहार इलाके में 200 रुपये उधार ना देने पर न सिर्फ एक युवक की बेरहमी से पिटाई कर दी गई, बल्कि रॉड मारकर उनका सिर फोड़ दिया गया। इसका आरोप 2 भाइयों पर है। 24 साल के घायल शमशाद को होश आया तो उसने घटना की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस उसे GTB अस्पताल लेकर पहुंची, जिसके बाद से उसके बयान पर गैर इरादतन हत्या के प्रयास का केस दर्ज किया गया है। दोनों आरोपी फरार हो चुके हैं। पुलिस दोनों आरोपियों की तलाश में जुटी है। शमशाद ने बताया कि आरोपी उसके पास आकर 200 रुपये मांग रहा था उधार। फिर जब शमशाद ने कहा कि उसके पास पैसे नहीं हैं, तो इसी बात पर आरोपियों ने गालियां देने लगा। इस बीच आरोपी का भाई भी वहां आया और देखते ही देखते ये बहसबाजी एक हिंसक झड़प में बदल गई। इस बीच एक आरोपी रॉड निकाल कर ले आया और शमशाद के सिर पर 3 से 4 वार कर दिए। नर्सरी एडमिशन की शुरुआत हो चुकी है। दरअसल 28 नवंबर को ही स्कूल ने अपनी साइट पर जानकारी डाल दी थी कि 1 दिसंबर से दाखिले शुरू हो रहे हैं। हर बार की तरह इस बार भी अलग अलग कैटेगरी के लिए पॉइंट रखे गए हैं, जिनमें सिबलिंग्स, डिस्टेंस, गर्ल्स चाइल्ड और कई कैटेगरी रखी गई हैं। इसी संबंध में हमने प्रिंसिपल स्वप्ना राय से कुछ खास बातचीत की, तो इसकी जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि एडमिशन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह के किए जा रहे हैं। स्कूल आकर भी पेरेंट्स ने फॉर्म लेने शुरू कर दिए हैं और पेरेंट्स फॉर्म भरकर ऑनलाइन या ऑफलाइन जमा कर सकते हैं।
मैम, नर्सरी एडमिशन की शुरुआत हो चुकी है। डिपार्टमेंट का सर्कुलर हमारे पास आ गया था और 28 तारीख को हम लोगों ने क्राइटेरिया अपने वेबसाइट पे अपलोड कर दिया है। क्राइटेरिया में डिस्टेंस है, सिबलिंग, एल्यूमिनाई, गर्ल चाइल्ड, ये क्राइटेरिया है, पैरामीटर्स हैं जिनके बेसिस पे जो है इवैल्यूएशन ऑफ मार्क्स होगा, जो पॉइंट्स मिलते हैं बच्चों को। तो वो अपलोड हो चुका है 28 तारीख को और फॉर्म्स पेरेंट्स आने लग गए हैं, वॉक इन हो गए हैं। काफ़ी सारे मेरे ख्याल से 15 से 20 पेरेंट्स जो हैं फॉर्म लेके जा चुके हैं। आज न्यूज़पेपर में भी आ गया है तो मोर अवेयरनेस हो गई है, पेरेंट्स को पता चल गया है कि फॉर्म्स आ गए, तो अब आज से पेरेंट्स आने लगेंगे। जनरली ड्रॉ जो है वो 70 पॉइंटर्स के लिए होता है क्योंकि वहाँ पर एप्लीकेशन ज़्यादा हो जाती हैं, तो वहाँ पे हम लोग ड्रॉ करते हैं। 20 जनवरी से पहले हम लोग ड्रॉ कर लेंगे और ड्रॉ करने के बाद 20 जनवरी को हम फर्स्ट लिस्ट लगा देंगे। सीट्स कितनी अवेलेबल हैं? 53 सीट्स अवेलेबल हैं हमारे स्कूल में, 53 सीट्स अवेलेबल हैं और हमारे पास जो हैं सारे पेरेंट्स अब आने लगे हैं। काफ़ी क्वेरीज हैं, मोस्टली सिबलिंग केसेस हैं, जो बच्चे हमारे पास ऑलरेडी पढ़ रहे हैं तो उनके तो हमारे पास अक्टूबर से ही पॉइंट्स डिस्टेंस क्राइटेरिया है मैम, और सिबलिंग केसेस एंड एल्यूमिनाई केसेस को सबसे ज़्यादा पॉइंट दिए गए हैं। डिस्टेंस में भी 0 to 1 किलोमीटर के 50 पॉइंट्स हैं, फिर 1 to 3 किलोमीटर्स के 40 हैं, फिर देन 3 to 6 किलोमीटर्स 30 हैं, इस तरह से 6 किलोमीटर्स एंड अबव जो हैं वो 20 पॉइंट। IIM EDB में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मैटरनल मार्कर्स और प्री एक्लेम्प्सिया स्क्रीनिंग CP एक्ट 19 के बारे में लोगों को महत्वपूर्ण जानकारियां दी गईं। इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि डॉक्टर आरती खन्ना नागपाल और डॉक्टर PN तिवारी रहे। उन्होंने बताया कि प्रेगनेंसी के दौरान माँ और विकसित होते बच्चे के स्वास्थ्य को जांचने के लिए कई टेस्ट किए जाते हैं। खास तरह के टेस्ट मैटरनल मार्कर टेस्ट कहलाते हैं, जो कि विकसित होते बच्चे के जेनेटिक और जन्मजात विकार की जाँच करते हैं। आमतौर पर ये टेस्ट विकसित होते बच्चों में किसी तरह के क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स की संभावनाओं को जांचने के लिए किए जाते हैं। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास पर असर डाल सकती है, इसलिए जरूरी है कि रूटीन चेकअप और टेस्ट का हर ट्राइमेस्टर में किए जाएं, ताकि बच्चे के स्वास्थ्य को लेकर निश्चित हुआ जा सके और अगर कोई समस्या आए तो उसका रास्ता ढूंढा जा सके। साथ ही कानूनी जानकारी भी इस विषय पर दी गई। इस दौरान IIM EDB के प्रेसिडेंट डॉक्टर कुमार गांधी, वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर ग्लैडविन त्यागी भी वहां पर मौजूद रहे और बाद में उन्होंने डॉक्टर्स को सम्मानित किया। शाहदरा के मानसरोवर पार्क इलाके में रोड की सुंदरता बिगाड़ने पर पुलिस ने केस दर्ज किया है। दरअसल वहां कमल के फूल की झालर के अलावा जगह जगह नेताओं के होर्डिंग्स लगे थे। इसकी शिकायत पुलिस से की गई थी। शिकायत करने वाले 42 साल के अमित शर्मा अशोक नगर इलाके में रहते हैं और GTB अस्पताल में लैब टेक्नीशियन का काम करते हैं। बुधवार को मेन मंडोली रोड मार्केट आए थे, उसी दौरान उन्होंने नत्थू कॉलोनी चौक से लेकर रामनगर खत्ते तक BJP के कमल के फूल की झालर और होर्डिंग्स लगे देखे, जिससे रोड की सुंदरता खराब हो रही थी। इस कारण से उन्हें पुलिस कंट्रोल रूम को कॉल कर दिया। पुलिस मौके पर पहुंची तो पाया कि होर्डिंग्स BJP के किसी कैंडिडेट के थे। पुलिस ने रोड की फोटो और वीडियोग्राफी करने के बाद अमित के बयान पर केस दर्ज कर लिया है। और पूर्व दिल्ली की अधिक जानकारी के लिए आप यूट्यूब पर जाकर CCN लाइव को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल पूर्व दिल्ली खास में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।